हाय गाइस, वेलकम टू HTML। इस वीडियो में हम देखने वाले द टारगेट अट्रीब्यूट। देखो क्या होता है टारगेट अट्रीब्यूट, क्या होता है। जैसे हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में, पिछले दो तीन वीडियो छोड़ के भी, मतलब देखो कौन से वाले वीडियो में जो हमने ए टैग का देखा था। तो ए टैग में क्या होता था कि हम क्या कर देते थे, मतलब देखो कि टारगेट टारगेट क्या होता है कि हम जैसे कि हमने क्लिक किया किसी भी बटन को, और उसके बाद में हम क्या करना चाहते हैं कि वही हम सेम मतलब हमने अभी कर दिए, और उसको क्लिक करने के बाद हम रिडायरेक्ट होंगे, न तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, न तो कुछ तो एक्शन रन परफॉर्म होंगी। तो उस टाइम क्या होता है कि किस तरह से मतलब उसको हम उसके अंदर ही, मतलब कैसे कि अभी यही फॉर्म है तो यही फॉर्म के अंदर हम उसको ओपन करना चाहते हैं। मतलब हमारा क्या होगा, देखो अभी ये है हमारा एक अलग पेज है, बराबर। हमने क्लिक करने के बाद इसी पेज को हम जो अलग पेज है उसको इसी इसी टैब में, ब्राउजर का टैब होता है उसी टैब में ओपन करना चाहते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, ये कर दिए हमने। तो क्या होता है, देखो पहले मैं आपको बताऊं, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, जैसे यहाँ पे लिखा द रिस्पॉन्स डिस्प्ले न्यू टैब और न्यू विंडो, मतलब कैसे उसको क्लिक कर दिया, क्या होगा जो रिस्पॉन्स होगा और जो हम वहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे वो कहाँ पे होंगे, न्यू टैब में होंगे, पिछले वाला टैब वैसा ही रहेगा। तो स्लैश लगा के ब्लैंक लिख दिया तो ऐसा रहता, और स्लैश सेल्फ लिखा तो क्या हो जाता है, तो वही मतलब जो हमारा टैब है यही टैब है उसके अंदर ही ओपन रहता है। तो यही यूज है और कुछ नहीं। टैग का यूज क्या है कि आप ब्लैंक और सेल्फ ये दोनों आप ध्यान में रखो, ये दोनों का सेल्फ, ब्लैंक मीन्स क्या न्यू वाले टैब में आप ओपन कर सकते हो, सेल्फ में मीन्स क्या यही वाले इसमें ओपन कर सकते हो। और आप बोलोगे नीचे वाले दोनों क्या है, ये पैरेंट और टॉप, इसकी वजह से पैरेंट मीन ब्लैंक और सेल्फ मीन्स टॉप, ये दोनों का भी सेम यूज है, मतलब उसके अंदर ओपन हो जाते हैं। तो फॉर्म के अंदर टैग अल्ट्रीब्यूट का यूज यही है। आप टैग लगाने के बाद आप वही इसमें ओपन कर भी सकते हो और न्यू टैब में भी आप ओपन कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक्स गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।